सेना शाखा प्रमुख मोजेस चिनप्पा के घर पधारे गणपति बप्पा, जिनके दर्शन करने के लिए राजनीतिक जगत के कई नामचीन नेता पहुंचे। दर्शन करने आए हुए लोगों का मोजेस चिनप्पा ने साल उड़ाकर स्वागत किया। मीडिया के साथ खास बातचीत के दौरान दर्शन करने आए हुए लोगों ने मोजेस चिनप्पा के कार्य को सराहा। पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी एक विशेषता रही है। और महाराष्ट्र में बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे गणपति बाप्पा सार्वजनिक रूप से भी आते हैं और लोगों की श्रद्धा और आस्था देख के दिन ब दिन घरों में भी गणपति बाप्पा की संख्या बढ़ी है और वो गणपति बाप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा है। उसी श्रृंखला में हमारे मोजेस चिनप्पा जी, जो मीरा भाईंदर में समाज सेवक है, वो हर वर्ष गणेश उत्सव का अपने घर पे आयोजन करते हैं। अपने मित्र परिवार के सभी लोग, सगे संबंधी, सभी पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, बड़ी उत्साहपूर्वक ये त्यौहार मनाते हैं। मैं उनके परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत सुंदर तरीके से गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश उत्सव मनाने के पीछे का हेतु यही है कि सभी सगे संबंधी आए, हम सब ज़रूर। मैं आज दूसरा साल है मेरा मोजेस चिनप्पा जी के उधर, यहाँ पे मैं गणपति महोत्सव में आती हूँ और उनका प्रेम स्नेह और जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग तरीका है और हमेशा सबके दिलों में छाए हुए रहते हैं। उनका काम करने का ऐसा ही तरीका कुछ है, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि ये क्षेत्र में, जो समाज सेवक के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़े। हमेशा मैं उनके साथ रहूँगी और उनके पूर्ण परिवार को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। अनुभूति, मतलब आज जो मेन मकसद था लोकमान्य तिलक जी ने जिस परंपरा, जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया था, उसे एक परंपरागत रूप में हम रंग दे रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं सभी लोग मिलके। इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्पेशली चिनप्पा जी, आई कैन, मतलब स्पेशली मैं कहना चाहूँगी चिनप्पा मोजेस जी, सर्वधर्म सद्भाव का जो हमेशा एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हमेशा उनके यहाँ पे हर तीज त्यौहार में एक अद्भुत माहौल होता है। इतने शुभचिंतक, इतने भक्तों के बीच में हमेशा वो कार्यक्रम आयोजन करते हैं। इसी तरह करते रहे और सभी को शुभकामनाएं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, जैसे अभी मैंने कहा, ये जब रूबीना चिनप्पा मोजेस के बुलावे पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं तो यही साबित होता है, यही बात ये सिद्ध करती है कि हम सब एक हैं। यही हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है जो हज़ारों सालों से हम लोगों ने फॉलो की है, जहां हर धर्म, हर जाति, हर लैंग्वेज, हर जबान के लोग यहां पे सालों साल से बसते आए हैं, जहां ईद भी उतनी ही खुशी से मनाई जाती है जितनी खुशी से दिवाली हो या गणपति के, गणपति का अवसर हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। आप देखेंगे कि हर मज़हब के लोग इसमें पूरे दिल से शामिल होते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि यही हमारे देश की माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में गणपति के आशीर्वाद से क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छा वातावरण हो, अंदर भी बाढ़ अगर आए तो उनको बचाव रखे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसा मैं उनका दोस्त हूँ, हर एक पार्टी में उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सबके साथ में इतने पॉलिट से बात करते हैं, जितने सबके साथ में इतनी सारी किसी के साथ में भेदभाव नहीं, और मैं चाहता हूँ कि उनका ये कार्य ये सफल हो और उनका जो कार्य में उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मुझे मैं चाहता हूँ कि उनको मीरा भाईंदर में एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया जाए। सभी पार्टी के नेता उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता और एक अच्छा कार्य मीरा भाईंदर में होना चाहिए, ऐसा मेरी मानी। He is a such a good human being. I can say a person with a golden heart. और इतनी supportive family हैं, उनकी wife भी, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो समाज क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े और जो उनके दिल में आए, क्योंकि वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटी का एग्जांपल पेश करते हैं, तो वो आगे बढ़ते रहे और हमें भी उनका हमेशा
साथ और सहयोग मिलता रहे, यही मैं मनोकामना करती हूँ। बल ये शिक्षा तो बचपन से मुझे सोसाइटी से मिली है। जब मैं छोटा था तो मैं यही देखता था कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति है, जो मंडल बनाते हैं, वो अच्छे अच्छे नौकरी पे, बड़े बड़े व्यवसाय में, बिजनेसमैन है, काम करते हैं। पर मैंने देखा है कि वो 11 दिन छुट्टी ले लेते ऑफिस से, छुट्टी ले लेते। मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, घर पर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मुझे छुट्टी लेनी नहीं पड़ती। मैं शाम को पापा का सेवा कर लेता हूँ। पर अगर आप बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ, अच्छे से अच्छे ओहदे वाला, बिजनेसमैन वाला, आप देखोगे कि वो आपको बोलेगा कि मैंने छुट्टी ले। सबको लगता है कि ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हो, लेकिन आज शायद 7वां दिन है और बड़े आराम से हुआ। इनफैक्ट उनके अभी 4-5 दिन और बाकी है तो और धमाल करेंगे। ये 10 दिन का जो माहौल होता है, कितना बदल जाता है, कितना पॉजिटिविटी नजर आती है उनके बप्पा का जो मंडप लगता है, जो उनका आगमन से पहला जो मंडप घर में लगता है, पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में या मैं जहाँ रहता हूँ, काफ़ी जगह पे वास्तु को लेके लोगों के मन में शंका होती है कि घर, अभी जैसे मेरे आप घर को देखो तो 2 दरवाज़ा है, लेकिन आप देख रहे हो मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, खुश हूँ, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ है। तो मैंने गणपति बप्पा को बिठा दिया और मैंने कहा वास्तु का दोष आप ही हटा दो। तो गणपति अपना बप्पा को विघ्न हरता है, उनके काफ़ी मीनिंग है। और आई थिंक उनके आने से और उनके जाने के बाद भी जो आशीर्वाद है वो तो महसूस किया जाता है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए, ये जो शब्द राजनीति है, जब उसका जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं और मीडिया आती जा रही, राजनीति को लोग गंदा नाम दे रहे हैं। आज अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ गद्दारी करता है तो बोलते हैं राजनीति कर रहा है। कहीं ना कहीं आज के माहौल में आज के नेताओं ने उसको किया है। जब आप 50 साल पहले देखो, कोई नेता को ये नहीं बोला जाता था कि वो राजनीति कर रहा है, राइट? आप गांधी जी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस को ले लो, जितने जितने हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, उनके टाइम ये शब्द राजनीति नहीं आता था। राजनीति आज क्यों आ रहा है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़, जब मैंने पक्ष ज्वाइन किया था, बाला साहब का आशीर्वाद है, शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जो रात को 2 बजे भी मेरे बंगले पे आके कोई घंटी बजा सकता है। मुझे नहीं पता दूसरे पक्ष के यहाँ घंटी बजा के लोग हेल्प मांग सकते हैं कि नहीं। और मोजिस चिनप्पा का घर 24 घंटा चालू है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी है, पत्नी नहीं है तो मेरे माँ बाप है। वो लोग लोगों का सेवा करते हैं। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा बाला साहब ठाकरे ने दी है शिवसेना ने। और शिवसेना में काफ़ी जगह आप देखोगे तो पहले समाज सेवा होती है, 80% समाज सेवा और 20% राजकरण होता है। मेरा ये खुद का टारगेट है कि मैं 99% समाज सेवा ही करूँ। और फ्यूचर में कभी राजनीति में अगर मैं जाऊं, वो सिर्फ पावर लाने ताकि मैं लोगों का सेवा और अच्छे से कर सकूं।